सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की। क्या होता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस? किसी भी सर्किट में करंट फ्लो कराने के लिए ज़रूरत किस चीज़ की होती है? इलेक्ट्रिकल चार्ज की। हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दें, चार्जें ना हो, लगाएं पोटेंशियल डिफरेंस, चार्जें नहीं है, तो पहले तो फ्री चार्ज चाहिए, ठीक है। और फ्री चार्ज होंगे तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देंगे एक किसी बैटरी से, तो वो चार्ज एक डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाएंगे। जब चार्ज चलेंगे, यानी जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करो उतना ज़्यादा चार्ज का मूवमेंट बढ़ेगा, नहीं उतनी करंट बढ़ेगी। यानी हम कह सकते हैं वी प्रोपोर्शनेट आई, यानी व्हेन वी अप्लाई द पोटेंशियल डिफरेंस, व्हेन वी इंक्रीज द पोटेंशियल डिफरेंस, करंट विल इंक्रीज, करंट बढ़ेगी। तो जब हम वी इक्वल टू करते हैं तो एक कॉन्स्टेंट आता है, और उस कॉन्स्टेंट को हमने क्या माना? आर। तो आर इज इक्वल टू वी अपान आई। यहाँ पर आर क्या है? आर इज ए कॉन्स्टेंट फॉर दैट कंडक्टर एट दैट टेम्परेचर। उस कंडक्टर की उस टेम्परेचर पर आर की वैल्यू कॉन्स्टेंट है, और इसको हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। ये तो फिजिक्स की डेफिनेशन हो गई, मतलब मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गई। फिजिक्स का मतलब क्या है? जब एक इलेक्ट्रॉन चलना शुरू करेंगे, पॉजिटिव चार्ज चलना शुरू करेगा, तो वापस में कोलिजन होगा, होगा ही होगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या एक दो पाँच दस होती नहीं है, ये तो पूरा करोड़ों में होती है। तो इनको चलने के लिए जगह चाहिए, बड़ी सी चौड़ी सी फोर लेन चाहिए, और फोर लेन हर जगह तो होती नहीं है, तो इनकी टक्कर होगी, और कोलिजन की वजह से जो रेजिस्टेंस होता है वही, मतलब जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है उसको चलने में, उसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस की डेफिनेशन आप क्या लिखेंगे? सिंपल है, द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर इज नोन एज पोटेंशियल दैट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इसकी यूनिट क्या होगी? वोल्ट पर एम्पियर। अगर मैं कहूँ इसकी डायमेंशन क्या होगी, जरा डायमेंशन निकाल के बताइए इसकी डायमेंशन क्या होगी। दूसरी इसकी यूनिट ओम होती है, ओम, इसका इंडिकेशन ओमेगा है। जरा इसकी डायमेंशन निकाल के बताओ इसकी डायमेंशन क्या होगी। एक लोगों ने बताया ml स्क्वायर, हाँ बताएं बाजपे जी, टी इनवर्स थ्री ए इनवर्स टू, क्या ये सही है? नहीं, हमें नहीं मालूम है ये सही है, हैं? हम चीटिंग करके, चीटिंग कहाँ करके, कहाँ लिखा हुआ है? देखिए v की वैल्यू क्या होती है? w अपान q। तो यानी अगर v की वैल्यू यहाँ रखोगे तो क्या आएगी? w अपान आई क्यू, डब्ल्यू अपान क्यू आई, और q को क्या लिखेंगे? it, क्योंकि हमको डायमेंशन निकालने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? फंडामेंटल क्वांटिटी में जाना पड़ेगा, और w की डायमेंशन क्या होती है? वर्क की, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स टू अपान आई स्क्वायर की ए स्क्वायर इंटू टी। इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या आएगा? एम एल स्क्वायर टी इनवर्स थ्री ए इनवर्स टू, वेरी गुड, ये डायमेंशन इसकी है, ठीक। अब बात करते हैं ओम्स लॉ। देखिए ओम साहब ने क्या कहा, उन्होंने कहा, अभी हम थोड़ी देर पहले क्या बताया कि वी प्रोपोर्शनेट आई होता है, कब तक? जब तक कि कोलिजन उसका चेंज ना हो। भाई अभी हमने क्या कहा कि वी जितना पोटेंशियल अप्लाई करोगे उतना करंट बढ़ेगी। करंट कौन बढ़ाता है? चार्ज बढ़ाता है। और करंट का फॉर्मूला क्या होता है? आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। अगर टी सेकेंड में चार्ज ज़्यादा मूव करेगा तो आई की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। और चार्ज ज़्यादा मूव करने के लिए क्या चाहिए? डंडा चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही चार्ज ज़्यादा मूव करेगा। मालूम होगा कल कॉलेज जाना है, और कल अगर काम नहीं पूरा करके ले जाएंगे तो उछड़े जाएंगे, तो रात चाहे 12 बज जाए चाहे 1 बज जाए, लेके काम भी बैठे रहेंगे। और मालूम अगर हो जाए, अरे अपने काम करें, बताएंगे हम, बता दे बे मैनेजर तो बता दे बे, तो फिर काम करेगा नहीं आदमी, ठीक है। तो यानी कि क्यू बढ़ेगा तो आई बढ़ेगा, लेकिन क्यू बढ़ने में दिक्कत एक आती है, कोलिजन होता है। तो उन्होंने कहा देखिए जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, फिजिकल स्टेट बोले तो टेम्परेचर, तब तक कोलिजन जो हो रहा वही होगा, चेंज नहीं होगा। तो ओम साहब ने कहा कि अगर हम किसी भी कंडक्टर की फिजिकल स्टेट चेंज न करें तो V और I का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है। तो लिखिए इफ वी नॉट चेंज द फिजिकल स्टेट ऑफ ए कंडक्टर, इफ देर इज नो चेंज इन द फिजिकल स्टेट, लैंग्वेज आप अपने तरफ से लिख सकते हैं, हर बार हम सेंटेंस चेंज कर देंगे तो वो थोड़ी लिखोगे। इफ देर इज नो चेंज इन द फिजिकल स्टेट ऑफ ए कंडक्टर, फिजिकल स्टेट ऑफ ए कंडक्टर, ब्रैकेट लीजिएगा टेम्परेचर, देन
द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बिटवीन इट्स एंड्स टू द करंट फ्लोइंग इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट. द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड इज एंड या टू द करंट इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट. वी अपॉन आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. यह हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है और दिस इज नोन एज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एंड दिस इज नोन एज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. दिस इज नोन एज द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बिटवीन द एंड्स ऑफ द कंडक्टर टू द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर इज कॉन्स्टेंट. अगर किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन न करें तो उसके सिरों के बीच विभवांतर और धारा का अनुपात नियत होता है. वो एक्चुअली हिंदी में है इसलिए मैं हिंदी में एक आध सेंटेंस बोलता हूँ. केवल पूरे टाइम में चार सेंटेंस ज़्यादा हिंदी में नहीं बोलता हूँ. ठीक है, जब वो कभी इधर जब घूमेंगे इधर निगाह पड़ गई इनके ऊपर तो हिंदी में बोल देता हूँ वरना भूल भी जाता हूँ. समझ में आ गया. अब इसको प्रूफ किया जाए. ज़रा समझिएगा सावधान. कैसे प्रूफ करेंगे? आपको वी और आई का रेशियो निकालना है. देखिए, किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन तो होते होते हैं. अगर लोहे का एक टुकड़ा लोगे, कॉपर का एक वायर लोगे, क्या इलेक्ट्रॉन नहीं है उसमें? यानी कि पॉजिटिव चार्ज, सॉरी पॉजिटिव कह रहे हैं, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं. लेकिन क्या वो करंट मारता है अगर उसको पकड़ लो? नहीं मारता है. क्यों? क्योंकि उसका जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है वो रेंडम मोशन कर रहा है, इधर उधर जिगजैग मोशन कर रहा है, तो नेट करंट जीरो है. अगर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देते हैं, किसी बैटरी के टर्मिनल से जोड़ देते हैं, तो बैटरी क्या करती है? उसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर देती है. इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगना शुरू हो जाता है. मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूंगा, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगना शुरू हो जाता है. ठीक है, अच्छा इलेक्ट्रॉन की बात करूं या इलेक्ट्रॉन का बिल्कुल काउंटर पार्टिकल क्या होता है? पॉजिट्रॉन होता है. प्रोटॉन वैसे नहीं होता है. जनरली पॉजिट्रॉन नाम हमको नहीं मिलता है, हमको पॉजिटिव चार्ज मिलता है. लेकिन एक्चुअली किसी भी एटम से अगर इलेक्ट्रॉन निकला तो इलेक्ट्रॉन जैसा ही पार्टिकल होना चाहिए, जिसका मास भी वही हो, तो वो क्या होगा? वो पॉजिट्रॉन होता है. आप पॉजिटिव चार्ज कह सकते हो. तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा तो उस पर एक फोर्स लगेगा. फोर्स लगेगा तो वो एक डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा, और जब एक डायरेक्शन में चलना शुरू करेगा तो उसी वेलासिटी को क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट वेलासिटी कहते हैं. हमने बताया था ड्रिफ्ट वेलासिटी बहुत कम होती है, 3-4 मीटर पर सेकेंड जो भी होती हो वैल्यू, आई डोंट नो वैल्यू, कोई ऑथेंटिक है भी नहीं. ठीक है, और उसकी वेलासिटी लाखों मीटर पर सेकेंड होती है. इलेक्ट्रॉन की वेलासिटी मतलब बहुत हज़ार किलोमीटर पर सेकेंड होती है, मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन का. लेकिन मोशन कैसा होता है? रैंडम मोशन होता है. इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या नेट करंट जीरो होती है. तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो रैंडम जो ड्रिफ्ट वेलासिटी होती है वो एक डायरेक्शन में होती है. लेकिन उसका मतलब क्या हुआ? क्या इलेक्ट्रॉन जो रैंडम मोशन कर रहा है वो वेलासिटी चेंज हो गई? नहीं, वो चेंज नहीं हुई. हो ये रहा है कि इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ से चलना शुरू करेगा, अब यहाँ पर रेंडम मोशन कर रहा है, तो बार बार हर डायरेक्शन में मूवमेंट करते करते कहाँ लौट के आ जाएगा? फिर यही लौट के आ जाएगा, फिर यहाँ से मूव करेगा. उसकी वही पोजीशन है ना भाई, अपनी मेन पोजीशन के लांगे तो मूवमेंट कर रहा है. तो जब आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी लगा देते हैं, जब आप बैटरी लगा देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन हर तरफ से मूव करेगा और बाद में आ कहाँ जाएगा? यहाँ आ जाएगा, हल्का सा आगे आ जाएगा. और हल्का सा एक इलेक्ट्रॉन आगे आएगा ना, और जब अरबों इलेक्ट्रॉन एक साथ हल्का सा आगे आएंगे तो अरबों हल्का सा हो जाएगा. अरबों मल्टीप्लाइड बाय हल्का सा, अरबों सा हो जाएगा. तो उसकी वैल्यू, अरे भाई हल्का सा मल्टीप्लाइड बाय अरबों. अब देखा होगा यूट्यूब में जो चैनल होते हैं उसमें जो जिसको भी सुनो, वो किस लिए यूट्यूब में अपलोड करते हैं? समाज सेवा के लिए. इसलिए करते हैं ना कि हम चाहते हैं फ्री कंटेंट अप्लाई हो. लेकिन रोज देखते हैं कि इसमें हमारे वो सब्सक्राइबर कितने हैं, वॉच टाइम कितना है. देखो चाहे हम हो चाहे जो हो, सही करें गलत करें, कोई भी फ्री कंटेंट पब्लिक सेवा के लिए अप्लाई नहीं करता. अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हमने कहा भाई हम तो 100 रुपया फीस ही लेते हैं. हम सब अब 100 रुपया फीस मल्टीप्लाइड बाई 1 लाख लड़के इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर लो. हम अकेले पढ़ा रहे हैं और इसके बाद जो किसी और इंस्टीट्यूट खोले वो करोड़ों की जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए बैठा हुआ है, वो AC वेसी लगाए बैठा हुआ है, वो वहाँ से 10,000 रुपये फीस ले रहा है. तो हम अपने 100 रुपये का 10,000 से कंपेयर नहीं कर सकते ना भाई. हम तो AC लगाए अपना हवा खा रहे हैं, हम हवा खा रहे हैं, अंदर हमारा कुत्ता भी अपना हवा खा रहा है, उधर बैठा हुआ है. ठीक है, और तो ये कुछ है. तो अरबों मल्टीप्लाइड बाई 100 रुपया, 2 लाख मल्टीप्लाइड बाई
90 रुपया कर दो मल्टीप्लाई, कितना हो गया। हाँ तो कोई भी समाज सेवा आज की डेट में नहीं करता, मतलब नहीं करता, जबरदस्ती पब्लिक को चूतिया बनाना बंद करो। तो ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा शिफ्ट हुआ ना, ये कितने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए, अरबों हुए, इसलिए ये करंट बहुत ठीक ठाक मात्रा में मिल जाती है, ठीक है। तो इसको कहते हैं ड्रिफ्ट फिलॉसफी। तो देखिए अब हम प्रूफ करने जा रहे हैं ओम्स लॉ। थोड़ी थ्योरी लिख लीजिएगा। लेट अ कंडक्टर ऑफ लेंथ एल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, हिंदी में बोले, लेट अ कंडक्टर ऑफ लेंथ एल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए हैविंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, हैविंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बी स्मॉल एन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्मॉल एन। ये तो इंट्रोडक्शन उस कंडक्टर की है कि उसके पास क्या क्या है। एक कंडक्टिंग वायर है, उसकी लंबाई एल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। हमने झांक के देखा इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हो, तो पता चला कि सब अपन दौड़ दो, ऐसे नहीं लंच जब होता है जहाँ 10-4 हज़ार लड़के हों, जब लंच होता है उसमें जो लड़के क्या करते हैं वही इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं, ठीक है। प्रिंसिपल निकलेगा डंडा लेकर के, सर आ गए, भगे भगे मतलब किस डायरेक्शन भगे, एक डायरेक्शन भगे, उसी को क्या कहते हैं, वही करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रिंसिपल को लाना पड़ेगा, यानी कि बैटरी को लाना पड़ेगा। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, इफ पोटेंशियल डिफरेंस वी इज अप्लाइड, इफ पोटेंशियल डिफरेंस वी इज अप्लाइड बिटवीन द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, बिटवीन द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, देन ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप्ड, ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप्ड, द फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाई, द फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाई, देखिए इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितना लगेगा, एफ इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। ये कहाँ लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में बताओ ना। देखो अब एफ का फॉर्मूला जानबूझ के मैं लिखा, फोर्स के बहुत सारे फार्मूले होते हैं, प्रेशर के टर्म में भी होता है, मास के एक्सेलरेशन टर्म में होता है, तो यहाँ क्या लगेगा, इलेक्ट्रॉन ई इंटू ई, क्यू हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू के लिए हमने कुछ सिस्टम लगा नहीं रखा है, हमने कहा पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई किया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में एक रिलेशन होता है, नींद आ रही क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या रिलेशन होता है, ई इज इक्वल टू वी अपान एल, आप बता रहे हो। अच्छा नहीं तो हमने क्या बोला, हाँ तो हमने जो बोला वही आप आंसर देंगे ना, तो ये आएगा ई वी बाई एल। ये फोर्स कितना लगा, द एक्सेलरेशन, द एक्सेलरेशन ऑन द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे जो एक्सेलरेशन होगा, ए इज इक्वल टू क्या होगा, एफ अपान एम, यानी एफ बोले तो ई वी अपान एम एल, इतना इलेक्ट्रॉन पे एक्सेलरेशन क्रिएट होगा। अब एक प्रूफ जो पहले से आप प्रूफ कर चुके हैं उसको केवल आप यहाँ यूज करना है, इसलिए हम डायरेक्ट लिखेंगे, हम यहाँ प्रूफ नहीं करेंगे उस चीज़ को। देखो ध्यान से, सावधान, उस प्रूफ को पहले समझ लीजिएगा। किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन, जब हमने उसको बैटरी से नहीं जोड़ा था तो क्या वेलासिटी नहीं थी इलेक्ट्रॉन की, थी। वेलासिटी कितनी थी, यू वन यू टू अप टू यू एन। जब हमने बैटरी से जोड़ दिया तो उन पर फोर्स लगना शुरू हो गया, तो उसका एक्सेलरेशन हो गया ए, सबका अलग अलग होगा एक्सेलरेशन, सेम होगा, लेकिन लेकिन जो उनका रिलैक्सेशन टाइम वो अलग अलग होता है, टक्कर होती तब भी, ठीक है। तो टक्कर के बाद वेलोसिटी कितनी हो गई, वी वन वी टू अप टू वी एन, और रिलैक्सेशन टाइम क्या है, टाउ वन टाउ टू अप टू टाउ एन। तो वी वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू वन प्लस ए टाउ वन। ये प्रूफ आपको करना नहीं है यहाँ पर, ये प्रूफ हम बता चुके हैं, यहाँ डायरेक्ट यूज करेंगे हम। मतलब आफ्टर कनेक्टिंग द वायर विद द बैटरी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज वी वन, उसके बारे में बात कर रहे हैं। दूसरे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या हो गई, वी टू इज इक्वल टू
यू टू प्लस एट आउट टू, इसी प्रकार से जब वी एन की वैल्यू निकालेंगे क्या आएगा, यू एन प्लस एट आउ एन। जब हम उसकी नेट वेलोसिटी निकालते हैं आफ्टर कनेक्टिंग विद द बैटरी, वही आपकी वेलोसिटी क्या कहलाती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वही तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि कनेक्शन के बाद में जो फाइनल वेलोसिटी आई है वो उसका एवरेज निकाल लें एन। ये एन वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है सॉरी, एन ही वही है ना, उतने इलेक्ट्रॉन उतनी वेलोसिटी है। देखिए तो वी वन क्या है, यू वन प्लस यू टू प्लस यू एन, एक ब्रैकेट में कर दें कोई दिक्कत, और प्लस यहाँ लिख दे जरा, यहाँ लिख के बाद रब कर देंगे। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वी डी, तो वी डी बराबर क्या होगा, यू वन प्लस ए टाउ वन प्लस यू टू प्लस ए टाउ टू अप टू यू एन प्लस ए टाउ वन होल अपान एन। तो अब यू वन प्लस यू टू अप टू यू एन अलग कर दो अपान एन, और प्लस ए काम ले लो टाउ वन प्लस टाउ टू अप टू टाउ एन अपान एन। ये जीरो होगा नहीं होगा, तो बैटरी से कनेक्ट करने के पहले जो एवरेज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन थी वो कितनी थी, जीरो। भाई जैसे हमने आपसे कहा एक कंडक्टर ले लिया, हमने कहा भाई करंट फ्लो हो रही नहीं हो रही है, उसके लिए क्या देखना पड़ेगा आपको कि किसी क्रॉस सेक्शन से कितने इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं। तो आपने एक क्रॉस सेक्शन पे यहाँ पर गौर साहब को बैठा दिया, बोले बताना कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इन्होंने कहा दस गए इधर, दस गए इधर, दस गए इधर, दस गए इधर, बीस गए इधर, बीस गए इधर, जितने इतने इधर थे उतने ही इधर आ गए। तो गए लेकिन कहाँ गए, सो वापस आ गए, तो नेट करंट कितनी है, जीरो। तो यानी कि जोड़ने के पहले जो नेट वेलोसिटी कितनी है, जीरो, यानी ये तो जीरो हो गया। और ये आपका एवरेज ड्रिफ्ट जो रिलैक्सेशन टाइम है, तो वी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए टाउ। तो ये हम रिलेशन डायरेक्ट यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, इसको आप रफ में कहीं अलग से अपनी जानकारी के लिए दोबारा नोट कर लीजिए, यहाँ यूज़ नहीं करेंगे, ठीक, अलग कहीं करिएगा, इसमें नहीं करिए, ओम सलाह में नहीं करेंगे। और आप कहेंगे अगर हम ओम सलाह में करें तो करो, वो कोई गलत थोड़ी है, वो तो प्रूफ हो जाएगा। अगर आप ओम सलाह में करना चाहते हैं तो वहाँ भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जब हम बैटरी से जोड़े थे, इसके पहले इलेक्ट्रॉन रेंडम मोशन कर रहा था, और जब बैटरी से जुड़ा तो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो गया एक डायरेक्शन में, तो उसके पास वेलोसिटी एक डायरेक्शन में आ गई, स्मॉल वेलोसिटी, उस वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इफ वी डी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इफ वी डी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, हाँ, या कोई और नाम, अपवाह वेग। तो वी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए टाउ, ये हम प्रूफ कर चुके हैं। आप चाहो तो जो अभी प्रूफ किया है ना, इसको फेयर भी कर सकते हो, ठीक है, लंबाई बढ़ जाएगी क्वेश्चन, थोड़ा सा सोल्यूशन की थोड़ा सा अच्छा प्रूफ लगेगा। तो ए की वैल्यू रख दी जाए तो क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या है, ई वी अपान एम एल इन टू टाउ। तो ये वी डी की वैल्यू तो आ गई। अब आपको तो करंट भी चाहिए ना भाई, आपको ओम्स लॉ में वी और आई चाहिए ना, तो वी तो इंट्रोड्यूस हो गया, आई इंट्रोड्यूस नहीं हुआ। आई का ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ एक रिलेशन होता है, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, ये हमने पढ़ रखा है। वी नो दैट आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, बोले ये भी प्रूफ कर दें और बड़ा हो जाएगा। तो क्या क्या प्रूफ करोगे भैया, ये भी प्रूफ कर दें, वी और ई का रिलेशन भी प्रूफ कर दें, पता चला ये भी प्रूफ कर दें, हर चीज नहीं प्रूफ करनी है आपको, ठीक है। तो यहाँ से वी डी का मान रख दें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ वी डी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ वी डी, वी डी की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ई ए, और वी डी की वैल्यू क्या है, ई वी अपान एम एल इन टू टाउ। यानी कि क्या आया, आई इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर ए वी टाउ अपान एम एल। अब आपको वी और आई का रेशियो निकालना पड़ेगा। देखिए हम टारगेट लेके चलेंगे, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है भाई, एक तो होता है कि स्टेप को प्रूफ कर लेना, वी इक्वल टू एम एल, वी बराबर एफ इज इक्वल टू ई इन टू ई वी अपान एम एल, एफ इज इक्वल टू ई वी अपान एम एल, ए बराबर एफ अपान एम, दे तरीके रट लिए जा करके, और एग्जामिनेशन में एक चीज़ स्लिप कर गया, ये लिखे ही नहीं, बोले कुछ तो गड़बड़ है। तो आप समझिए ना कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या थी, आपकी रिक्वायरमेंट थी करंट और वोल्टेज में रिलेशन, ठीक है,
तो आपको उसके लिए वी की जरूरत थी, तो ये स्टेप बाय स्टेप समझिएगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब जरा वी अपन आई की वैल्यू निकालते हैं, हमको तो नोट कर लीजिए इसको। अब आपको वी अपन आई निकालना है, जरा इसको देखिए ध्यान से, वी के नीचे आई लिख दो और सबको एक तरफ ट्रांसफर कर दो, तो यहां से वी अपन आई की वैल्यू क्या निकलेगी, एम एल अपान एन ई स्क्वायर ए टाउ, ये निकला ना। अब आपको ये दिखाना ये है कि भाई इस ये चीज एट कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगी, ये दिखाना है आपको, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि इसमें टेम्परेचर के चेंज होने पर किन किन साहब को दिक्कत हो रही है, ये भी देखना पड़ेगा ना कि टेम्परेचर को चेंज होने पर किन साहब को दिक्कत हो रही है। कोई चीज चेंज हुआ, किसी को दिक्कत है तो लोग कहेंगे किन साहब को दिक्कत हो रही है, मतलब इन साहब ने खड़े हो जाओ, इसको किनारे ले जाओ जरा, इनको बहुत दिक्कत हो रही है। दिक्कत खत्म। एम मास ऑफ द, अभी मैं एक एक बात करता हूँ, एम मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, क्या टेम्परेचर के चेंज होने पर इलेक्ट्रॉन दुबला हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेंथ ऑफ द कंडक्टर चेंज हो जाएगी, यहाँ पर टेम्परेचर इतना नहीं चेंज हो रहा है कि उठा करके भट्टी में रख दियो, यहाँ पर टेम्परेचर बहुत माइनूट चेंज होता है, उसमें एल चेंज नहीं होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं चेंज होगा, उनके लड़के बच्चे थोड़े होते हैं कि नहीं वो एक इलेक्ट्रॉन वाला चार लड़का हुई है तो गड़बड़ ऐसा तो होता नहीं है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं होगा, ए की वैल्यू चेंज नहीं होगी, बचेंगे टाउ। अब टाउ के बारे में बात कर लेते हैं, हियर टाउ क्या होता है, ये नहीं करना है आपको, ये नहीं चेंज होगा उन्हें अब देखिए, टाउ क्या है, टाइम है ना, टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस बोले तो कौन सी डिस्टेंस, मीन फ्री पाथ डिस्टेंस, यहां पर क्या है मीन फ्री पाथ लैम्डा मीन, ठीक है। और वेलासिटी कौन सी यहां लिखेंगे, वेलासिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलासिटी कौन सी लिखेंगे, वेलासिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलासिटी को एवरेज वेलासिटी हम वी बार लिखे दे रहे हैं, एवरेज वेलासिटी क्या लिखे दे रहे हैं, वी बार लिखे दे रहे हैं। अब दिखाना यह है, एक मिनट देखिए भाई, कि टेम्परेचर पर इसमें फर्क कौन डाल रहा है, ये सही मैं लिख रहा हूं ना, टाइम बराबर डिस्टेंस वन वेलासिटी, एस बराबर यूटी होता ना, एक्चुअली में ये हम कभी फॉर्मूला याद नहीं किया ना, हमने स्पीड बराबर डिस्टेंस वन टाइम मालूम है, लेकिन हमको मालूम नहीं ना डिस्टेंस बराबर स्पीड अपॉन टाइम भी होता है, स्पीड डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी भी होती है, पढ़ाई नहीं। अब देखो ध्यान से, हम जानते हैं, वी नो दैट, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री गैस तरह बिहेव करते हैं। तो हमने गैसेस मॉडल में पढ़ा है कि जो गैस की रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है वो अंडर रूट 3RT अपॉन एम होती, याद करिए आप 11th क्लास में आपने पढ़ा था। ये चीज किस पर डिपेंड कर रही है, टी पर, और यहां पर आप क्या कर रहे हो कि कांस्टेंट है, तो यानी ये चीज क्या होगी, यानी वी आर एम एस प्रोपोर्शनेट अंडर रूट टी। तो चूंकि टी कांस्टेंट है तो वी आर एम एस क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, एज टी इज कांस्टेंट, एज टी इज कांस्टेंट, सो वी आर एम एस इज आल्सो कांस्टेंट। ये कांस्टेंट लिखा हुआ है, उसको सिटी स्कॉट का लिखे वो कांस्टेंट है, हम इसलिए बोलते रहते हैं हम लिख क्या रहे हैं, ये कांस्टेंट हो गया, यानी ये पूरी चीज कांस्टेंट हो गई ना, ये पूरी चीज क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई ना, तो इसका मतलब टाउ क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, सो टाउ इज आल्सो, या लिख दे सो टाउ प्रोपोर्शनेट वन अपॉन रूट टी, ऐसे लिख दो भाई, टाउ अपान में वी है ना, तो वी कौन सा, ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है ना, नहीं ये रूट हटा दीजिए इसका, ये स्क्वायर कर दो, रूट टी कॉल कर दीजिएगा, सो टाउ इज कॉन्स्टेंट, ये मत लिखिए, लिखिए सो टाउ इज कॉन्स्टेंट, टाउ इज कॉन्स्टेंट, ठीक है। आप कुछ ना लिखिए, आप लिखिए एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एवरीथिंग इज कॉन्स्टेंट, जाओ ढूंढो जाकर के हमने सोचा क्या है, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर दिस वैल्यू इज कॉन्स्टेंट, जाओ पढ़ो जाकर के, हमने तो यही प्रूव करना था। सो बाई क्वेश्चन वन, वी अपान आई जिसकी की वैल्यू आप बता रहे हो कि एम एल अपान एन ई स्क्वायर ए टाउ है, वो कैसी वैल्यू है, कांस्टेंट, और इसको आपने माना क्या है, आर, प्रूफ हो गया ओम्सला, ये तो ओम्सला कह रहे हैं। और यहाँ आर की वैल्यू आपने क्या देखी है, यहाँ पर आर की वैल्यू आपने देखी है एम एल अपान एन ई स्क्वायर ए टाउ, ठीक है, तो ये ओम्सला है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रूफ है, नोट कर लीजिए इसको, तो ओम्सला हो गया। जरा एक चीज देखें आप, यहाँ पर रेजिस्टेंस के बारे में बात कर लेते हैं, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एम एल अपान एन ई स्क्वायर ए टाउ,
रेजिस्टेंस किसका करेक्टर होता है? कंडक्टर का करेक्टर है, इलेक्ट्रॉन का करेक्टर नहीं है। इलेक्ट्रॉन थोड़े लड़ना चाहता है, हम थोड़े लड़ना चाहते हो, तो रोडे गड़बड़ थी, तो हम ऐसे गए ना उधर लड़ गए का गरी। देखो एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन का करेक्टर है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ई टाउ, एल और ए जो है किसका करेक्टर है, यानी आर प्रपोर्शनेट एल अपान ए। तो एक चीज़ आपको याद हो गई कि किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस उसके लेंथ के प्रपोर्शनेट होता है, डायरेक्टली प्रपोर्शनल होता है, यानी जितना लंबा कंडक्टर लोगे उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। उसका रीजन है कंडक्टर की लंबाई आपने बढ़ा दी, मतलब देखो एक तो मैथमेटिकल आपका लॉजिक होता है, ये मैथमेटिकली आपने दिखा दिया, एक फिजिक्स की भाषा में उसका मतलब क्या होता है, भाई लंबाई बढ़ा दी तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से वहाँ जाना पड़ेगा ना, टक्कर होगी ना, तो जितना लंबाई बढ़ाओगे उतना रास्ते में उसको टक्कर होने की चांसेस हैं। और आर प्रपोर्शनेट वन अपान ए है, अगर आप एरिया बढ़ा देते हो तो इलेक्ट्रॉन को चलने में आराम रहेगी कि दिक्कत रहेगी? आराम रहेगी। हाईवे है 4 लेन 8 लेन 10 लेन, दौड़ो चाहते दौड़ो फिर, ठीक है। तो हम चौड़ाई ज़्यादा कर दिए हैं तो रेजिस्टेंस अपने आप मैथमेटिक्स से तो यहाँ दिख रहा है, लेकिन एरिया बढ़ा देने से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को चलने में आसानी होती है, तो उनका कोलिजन कम होता है, तो उसमें रेजिस्टेंस भी कम होता है। तो ये वो मसला हो गया जाकर के, ठीक है, कर लीजिएगा इसको।